हिंसा करने वाले जो हैं वो सरकार के आदमी थे। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खोज जाए। मेरा कहना गाना सुनाना नहीं है, ये बात आप समझ रही है गुड़िया, ये समझ रही है, नहीं समझ रही है। अब तो प्रॉब्लम 75 दिन से ज्यादा हो गए हैं और ये किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। हालांकि 26 जनवरी की जो घटना हुई थी उसके बाद किसानों का यहाँ से जाना शुरू हो गया था, लेकिन राकेश टिकैत के जब आंसू आए तो मानो एक तरह से किसान आंदोलन को एक बार फिर से जान आ गई हो। राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को लेकर बात की थी और उन्होंने किसानों से खास तौर पर अपील की है कि वो ये आंदोलन जो है वो खत्म कर दें। और प्रधानमंत्री मोदी ने ये तक कहा है कि MSP तो पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का वो कितना सम्मान रखेंगे। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया था आपको ही किसानों को ही लेके, उन्होंने अपील की है आप लोगों से कि आंदोलन जो है वो खत्म कर दें। आंदोलन खत्म कैसे हो जाएगा, जब हमारा हाई कमान हमारा प्रसन्न नहीं होगा, जिस चीज़ के लिए हम बैठे हैं वो काम हमारा पूरा नहीं होगा तो आंदोलन खत्म कैसे करें। पहली बात तो हमारी शर्तें हैं, हमारे जो 26 जनवरी पर हमारे आदमी पकड़े गए हैं उन्हें रिहा करा जाए अगर वे दोषी नहीं है। सबसे पहली मांग तो हमारी वो है। उसके बाद में हमारे कानून है, कानून में हमारे हाई कमांड जो भी फैसला करेंगे उसे हम करेंगे। और जो हमारे कांटेदार तार लगाए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हम कोई पाकिस्तानी या विदेशी आदमी नहीं है या चीन के आदमी नहीं है, हम हिंदुस्तान के किसान हैं, हिंदुस्तान के रहेंगे और हिंदुस्तान में ही मोदी नहीं, को जो आप कह रहे हैं कटीले तार लगाए प्रधानमंत्री मोदी ने, कीले लगाई वो तो इसलिए लगाई थी ना क्योंकि आप लोगों ने तो 26 जनवरी को भी वादा किया था सरकार से कि हम किसी तरह का जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से ही ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, लेकिन उसके बाद जो हिंसा हुई वो तो किसी से नहीं छुपी है। तो इसीलिए उन्होंने जो 6 फरवरी को होने वाला था जो आप लोगों ने चक्का जाम का ऐलान किया था उसी को लेकर उन्होंने एहतियात बरते थे। ऐसा था प्रधान, ये जो हमारी सरकार है सरकार की कमियाँ रही, हमारा जो रास्ते थे उन पर जो ब्रेक उन्होंने लगा दिया, ब्रेक लगा दिया, और जो रास्ते उनके नहीं थे हमारे नहीं थे जाने आने के वो खोल दिए। तो हमारा किसान तो एक ट्रैक्टर के पीछे एक ट्रैक्टर के पीछे पीछे चले गया। उधर दिल्ली में लोग कौन यात्रा करता है, वो किसान तो अपने गांव से आया और जिधर ट्रैक्टर जाने उधर चले गया। लेकिन हिंसा करने वाले जो हैं वो सरकार के आदमी थे, कोई और आदमी नहीं था, वो सरकार के थे, बिना सरकार को और हिंसा। नहीं नहीं, राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो हमारे भी हैं, हम उनका सर नहीं झुकने देंगे, दूसरी तरफ आप ही लोग किसान हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को गाली देते हैं, तो क्या एकता नहीं है? बेटी एक बात और है, कुछ ऐसे होए करें जो न्यू जाने जन गाली तो कोई नई बात होगी है ना, और कछन को स्वभाव हो है ना, गाली कछन स्वभाव भी हो है। और दूसरी हमारे जो टिकैत जी कह रहे कहाँ हैं भाई, प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं वो, सम्मानित हैं वो, ऐसे में वो हम या वो ना चाहें कि उनको कहीं वो अपमान में, वैसे वो अपमान है नहीं, अगर जो जनता के लिए कानून है ना, और जो जनता के लिए जनता वह चाह ना रही तो ये हम काहे को अपमान लेके, अगर वो फिर भी करते हैं तो हम उनका अपमान की बात ना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को अगर दोषी ठहराते हैं, मतलब प्रधानमंत्री को हम गाली देते हैं तो उसे प्रधानमंत्री क्यों बनाते हैं? हमने सबने वोट दिए हैं तभी वो प्रधानमंत्री बने हैं, पूर्ण बहुमत से लाए, हमेशा किसानों के लिए कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने हमारे लिए अहिंसा करा। बताओ प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में बोला है कि किसानों को आंदोलन जो है खत्म कर देना चाहिए, तो आप ही प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील को मानेंगे? देख बेटी, अभी पहले हम पूछ रही थी जैसे एक पत्रकार के, देखो जब वो कह रहे आज राज्यसभा में बोले कहीं है, सोचवे की बात है मेरी बस, कि राज्यसभा में उनने ये बात कही है कि MSP ही, समझियो बात, ही पहले थे है ना, और है और रहेगी, या ये तो कह रहे। अब तू एक बात बता बेटी हमें, जो हो है और रहेगो सही बात, या में कोई वह तो ना है, जब सही पे तो कानून बनाना रहे, जब बात ही सही है तुम कह रहे हो कि हो है रहेगो, तो या से बड़ी बात और का है सके, जब सही है सही पे तो कानून बनाना रहे, और जो सही ना है सही क्यों ना है, सही क्यों ना है, मैं और सब कानून छोड़ बड़ा बूढ़ा आदमी पढ़े लिखो कम हूं, एक पर गानों सुने हो मैंने कि सोचो यदि ऐसा हो तो क्या हो है? मैं देशवासियों से भी कहता हूं, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम
एक कमरे में बंद हों और चाबी खोज जाए। सुनिए, बोला मत बीच में आप। मेरा कहना गाना सुनाना नहीं है, ये बात आप समझ रही है गुड़िया, ये समझ रही है, नहीं समझ रही, अब तो प्रॉब्लम है। वाकई बाद में ये मेरा कहने का है कि जब कानून कानून कह रहा है, पहले तो इंजाम है गो है कि भंडार भर दिए गए, अब दाल गेहूं सब्जी जो देश यानी जो कुछ बहेंगे वही तो बवाएंगे हम पे, वही कॉन्ट्रैक्ट गई तो है वही बवाएंगे और गो अपने यहाँ भर लेंगे, तो फिर गुई ना सोचो। अगर ऐसा हुआ कि जो एक में ही बंद है गो सब सौदा, तो बेटी पूरा देश वह चाबी बारे ढूंढ तो पिड़ेगा कि चाबी है कहाँ। सोचो यदि ऐसा हो तो क्या होगा। चलिए अब और किसान में सब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आज राज्यसभा में जो प्रधानमंत्री ने संबोधन किया, उसमें प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि किसानों ने बताया ही नहीं है कि आंदोलन है क्यों, तो ऐसा है क्या कि किसानों ने बताया ही नहीं कि आंदोलन है क्यों? देखो आपके सामने कितने किसान बैठे हैं, तो ये समस्या के बिना ही थोड़ी बैठे, तो वो कह रहे हैं एक कॉल दूर है, तो उसके बाद कितने दिन हो गए नहीं आए ना, तो समस्या है तभी तो है। तो वो तो कह रहे हैं अपने कृषि मंत्री साहब तो कह रहे हैं कि भी कोई समस्या है ही नहीं, ये कानून के अंदर कोई भी गलत नहीं है, मगर सारे कानून ही गलत, कानून गलत ना होते तो आज 6 माह से यहाँ बैठे। मीडिया के माध्यम से मतलब पता नहीं चला मोदी जी को कि मतलब हमारे ये किसान लोग जो सड़क पर बैठे हुए हैं ये किस लिए बैठे हुए हैं, उनको मीडिया के बाद हमसे भी पता नहीं चला अभी तक, और बोल रहे हैं कि किसानों ने हमको बताया ही नहीं है, तो बताओ ये कहाँ की नीति है। अच्छा, राकेश टिकैत जी ने ये कहा है कि ये आंदोलन जो है वो 2 अक्टूबर तक चलेगा, तो क्या राकेश टिकैत जी आप सब जो यहाँ पे पिछले 2 महीने से बैठे हैं, ज़्यादा का समय भी हो गया है, आप लोगों को भरोसा नहीं है कि सरकार 2 अक्टूबर से पहले तक कुछ समाधान नहीं करेगी इस समस्या का, कोई फैसला नहीं ले पाएगी? सरकार को भरोसा होता तो अब तई फैसला है जाता हो, तब तक हमारे मुखिया को आदेश यहाँ रहेगो तब तक ही धन्नो रहेगो, चाहे 4 साल चलियो चाहे 10 साल चलियो, कानून वापस नहीं होंगे तब तक यहाँ से हम हटवे बारे ना आए। प्रधानमंत्री जी से एक अपील है कि किसानों की बात सुने, और जो रविन्द्रनाथ टैगोर के लुक में प्रदर्शन करना चाह रही है अपने आप को बंगाल में, उस तक बैर लिखे, क्योंकि बाल अड़ जा यहाँ कानून पे बाल आ जा तो बात नहीं सुन पा रही, अपने बाल भी कटवावे और रविन्द्रनाथ टैगोर का जो लुक करना चाह रही उस तक दूर हो जा और इनकी किसानों की बात सुने। ठीक है जी, धन्यवाद। तो चलिए, ये थे हमारे साथ तमाम किसान जिन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है जब तक प्रधानमंत्री तीनों कानूनों को वापस नहीं लेंगे वो यहीं पे डटे रहेंगे, और 2 अक्टूबर ही नहीं उससे आगे तक भी अगर ये आंदोलन चलाना पड़ा तो ये लोग चलाएंगे।